हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस मैं हूं अजय पैर, आज आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आया। तो गाइस आज क्या नया है, क्या कौन सा टॉपिक लें आज? तो गाइस मेरे पास आज टॉपिक नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम विंडोज 7 पर बना दें। हमारा टॉपिक है वो बना लें विंडोज 7 पर, कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 7। तो मैंने ये टॉपिक ढूंढा ढूंढा क्या, मुझे कई कमेंट आ रहे थे कि भैया इस पर वीडियो बनाओ, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी कि हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 7 इन योर पीसी एंड अदर कंप्यूटर। सो लेट्स गो। तो गाइस शुरू करने से पहले बता दूं कि भैया आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यहाँ हर रोज़ तुम्हारे लिए वीडियो ऐसी बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जय माता दी, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं, हम आ गए हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको कर लेनी है विंडोज 7 की, या कोई भी विंडो आप करना चाहते हैं उसकी क्या कहते हैं फाइल डाउनलोड कर लेनी है इंटरनेट से, ठीक है गाइस। और फिर आपको इसमें कंप्यूटर में डाल लेनी है। लेकिन मैं आपको गाइस एक बात बता देता हूँ, ये देखो कंप्यूटर को ओपन किया मैंने, अब आपको फाइल ओपन करनी है, ठीक है, जहाँ पर आपकी विंडो सेव है, ठीक है गाइस। मेरी अब इसमें से, और गाइस यहाँ पर देखो, या मैं आ गया कंप्यूटर में, यहाँ पर देखो आपको इन तीनों में अपनी फाइल है वो रखनी है गाइज, ठीक है, विंडोज 7 की इन तीनों में, ये DEF। गाइज आपको कभी भी सी फाइल में नहीं रखनी गाइज, क्योंकि सी फाइल का जो डाटा होता है वो सारा विंडो होने पर, नई विंडो जब विंडो इंस्टॉल करते हैं वो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो मैं अपनी विंडो फाइल को ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर रखी है विंडोज 7 विंडोज 7। तो गाइज अब ये आपको, कई बंदे होते हैं यहाँ से सीधा सेटअप कर देते हैं, अपने को यहाँ से नहीं करना गाइज सेटअप, ये देखो यहाँ यहाँ से अपने कभी भी नहीं करना गाइज। आपको अपने को जाना है यहाँ पर, ये सोर्स कोर्स है क्या है फोल्डर, इसमें जाना है। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना सेटअप, आप फाइंड सेटअप सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ से ऐसे नहीं करना है तो आप सबसे पहले क्या करें, नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाना है अपने को, ये देखो मैं सबसे नीचे आ गया एंड ये मेरी फाइल दूसरी होगी, सब व्यू बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ एक बार। गाइज थोड़ा जुकाम है मेरे को, माफ़ करना थोड़ा। एंड ये देखो अब आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पर से आप फाइंड कर लेना है सेटअप का, ठीक है ऑप्शन। ये मेरे को अभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो ये यहाँ पर मिलेगा 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 सेटअप मिलेगा मेरे को मिल गया सेटअप शायद तक। हाँ ये मिल गया गाइस, ये देखो सेटअप मिल गया। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से अपने को परमिशन पूछ रहा है, अपने को यस कर देना है गाइस। यस करने के बाद ये देखो हमारा विंडो का जो सेटअप है वो स्टार्टिंग हो गया है गाइस, ये देखो सेटअप इज स्टार्टिंग स्टार्ट हो रहा है। ये देखो गाइज मेरे, यह विंडो में 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं नेट से किया ना तो यहाँ पर विंडो 8 लिखा रहा है, लेकिन गाइज ये है विंडो 7। अब अपने को लैंग्वेज चूज़ करनी है, जैसे मैं करता हूँ माई लैंग्वेज इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ पर टिक लगा कर नो थैंक्स पर आपको क्लिक करना है गाइज। ये देखो मैंने नो थैंक्स पर क्लिक किया, एंड यहाँ पर गाइज यहाँ पर मेन चीज़ होती है, आपने यह चीज़ नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा गाइज। आपको यहाँ पर 64 वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है 64 बिट। ये देखो मैं आपको विंडो 7 अल्टीमेट, आपको 64 यहाँ से चूज़ करना है गाइज। तो कई फिर 32 बिट वाले हो जाते हैं ना, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन नहीं चलते, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं गाइज। लेकिन मैं सजेशन करूँगा आप 64 करो गाइज। 64 करने के बाद यहाँ पर आपको करना है नेक्स्ट। अब इसको, इस पर भी आपको टिक लगाकर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखो मेन चीज़ यहाँ पर भी आती है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, ये देखो गाइज मेरा थोड़ा कैमरा थोड़ा नीचे था। एंड गाइज अब आपको करना है यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली, इस पर क्लिक करना है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर देखो, अब मेन मुद्दा यहाँ पर भी होता है गाइज, आपको यहाँ पर सी सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है सी प्राइमरी। अगर आपको यहाँ से सी सेलेक्ट नहीं होता, उसमें स्पेस नहीं है, तो आप अपने रिसाइकल बिन होते हैं उसको डिलीट कर देना या क्लियर कर देना, ठीक है गाइज। अपना जो आप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, अब फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 100% हो गई है पूरी कंप्लीट, ये चारों फाइलें चारों पाँचों फाइलें कंप्लीट हो गई। तो ये देखो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ये शुरू होने, और देखो गाइज मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, ये 7% हो गई है। एंड नाउ गाइज यू कैन सी दैट नेम, यहाँ पर आपका नाम पूछेगा, तो आपको नेम अपने डाल देना गाइज, जैसे मैं डाल देता हूँ एजे भाई,
ये वही ऐसे ठीक है गाइस, आपको शायद दिख रहा है पता नहीं है गाइस, देख सकते हो आप ठीक है गाइस। अब आपको ये मेरी देखो वो पांचों प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई तेरी ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कर देना अजय गाइस, ये वीडियो पूरी देखते रहना यार, लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा ठीक है गाइस, वो बहुत बढ़िया आपके लिए। अब आपको कर देना नेक्स्ट, यहाँ पर देखो मैंने नेक्स्ट पे किया क्लिक के, एंड यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड देना चाहे दे सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर नहीं देने वाला गाइस। नेक्स्ट करता हूँ अपने, यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रोडक्ट की, लेकिन अपने पास तो कोई प्रोडक्ट की है नहीं क्योंकि नेट से डाउनलोड किया भाई, लेकिन आपके पास है तो डाल देना, लेकिन मैंने मेरे पास तो नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा, तो इसको बाद में मैं देखूँगा गाइज। इसको कर देते हैं अपने नेक्स्ट, स्किप कर देना या नेक्स्ट कर देना, अपने नेक्स्ट करते हैं। एंड यहाँ पर देखो गाइज आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आस्क मी लेटर पर क्लिक कर देना ठीक है, लिखना ASK me later, तो इस पर आपको क्लिक करना है गाइज। यहाँ पर नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखो थोड़ी प्रोसेस है वो थोड़ी चालू होगी, Windows 7 Ultimate, ये देखो गाइज ये थोड़ी यहाँ पर थोड़ा और टाइम लेगा ठीक है, 10-15 मिनट सॉरी 9-10 मिनट और लगा, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब पर आधारित करता है कि कितनी देर लेगा, कितना वेट करेगा। तो मैं आपको स्किप करके आगे और दिखाता हूँ। और फाइनली दोस्तों हमारी जो Windows 7 है वो कंप्लीट हो गई है ठीक है गाइज। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से वो अपने जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करते हैं, या अपने जो ड्राइवर है वो किस प्रकार से इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, बने कि आप तो ख़त्म ही हो गई वीडियो, तो वंदे मातरम, जय हिंद। Yeah.